हेलो एवरीवन, मेडिजी स्टडी चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम को मीन्स 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? क्योंकि जब 1919 के भारत शासन अधिनियम को लाया गया तो उस समय जो सचिव थे उसका नेम मॉन्टेग्यू था और जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। तो सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड, इसी कारण से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। जिस तरह हमने पीछे जो अधिनियम पढ़ा उसे मार्ले मिंटो के नेम से ज्यादा पॉपुलर है, मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस टाइम भी ऐसा ही था कि मार्ले भारत के सचिव थे, मिंटो भारत के वायसराय थे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, 1919 का भारत शासन अधिनियम है, ये क्यों लाया गया, ऐसा क्या हुआ कि जिससे इस अधिनियम को लाया गया। क्योंकि 1909 में जो अधिनियम लाया गया था तो उसमें क्या कमियां रह गई थी कि 1919 में इस अधिनियम को लाना पड़ा। तो उसके हम कारण पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या कारण थे, क्या रीजन थे, क्या फैक्टर्स थे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कारण कि कौन कौन से कारण थे कि जिससे इस अधिनियम को लाया गया। सबसे पहला कारण, 1909 में जो मुस्लिम पीपल को, जो मुसलमान थे, उनको सेपरेट उनका निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया था, तो उससे कांग्रेस के पीपल बहुत ज्यादा नाराज थे। तो कांग्रेस पीपल की असंतुष्टि के कारण भी इस अधिनियम को लाना पड़ा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हो जाएगा कांग्रेस की असंतुष्टि। असंतुष्टि, कांग्रेस की असंतुष्टि किससे थी जो 1909 के अधिनियम में, जो 1909 के अधिनियम में मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र सेपरेट कर दिया गया था, तो उससे कांग्रेस काफी नाराज थी। इसीलिए 1909 के अधिनियम के बाद कांग्रेस गुस्से में थी और 1919 के भारत शासन अधिनियम को लाना पड़ा। दूसरा पॉइंट आता है बंगाल के विभाजन को रोक दिया गया था। बंगाल के विभाजन पर रोक, जो बंगाल के विभाजन पर रोक लगाई गई तो इससे मुस्लिम पीपल नाराज हुए। जो मुस्लिम लीग के पीपल थे वो नाराज हो गए। मुस्लिम लीग यानी कि कौन नाराज हुए बंगाल के विभाजन पर रोक लगाने से? मुस्लिम लीग के पीपल। तो इस कारण भी इस अधिनियम को लाना पड़ा। जो फैक्टर नंबर थर्ड है वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने पर रोक। विद्यालय बनाने पर रोक, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने पर रोक लगाई गई तो इससे मुस्लिम पीपल काफी नाराज हुए। जो मुसलमान थे वो नाराज हो गए और उन्होंने एक टाइप से प्रोटेस्ट किया और इस अधिनियम को लाना पड़ा। नंबर फोर्थ आता है कि 1911 में इटली और टर्की का युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो ब्रिटिश की भूमिका थी, ब्रिटिश पीपल ने अपनी भूमिका अदा की यानी अपना रोल प्ले किया, तो उससे जो मुस्लिम पीपल थे, मुस्लिम लीग के लोग थे, वो नाराज हुए। क्योंकि जो टर्की था ये मुस्लिम कंट्री है, तो इन्हीं के रीजन से मुस्लिम लीग वाले नाराज हुए थे कि ब्रिटिश वाले इनके अगेंस्ट में है और इटली के फेवर में है। तो इसमें कौन नाराज हुए? मुस्लिम लीग के पीपल, या मुस्लिम पीपल भी लिख सकते हो, मुस्लिम लोग भी लिख सकते हो, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें भी ब्रिटेन की भूमिका थी, ब्रिटिश लोग थे वो अपना रोल प्ले कर रहे थे और इंडियन पीपल को अपनी साइड से युद्ध में भेज रहे थे। तो 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नाराज, कौन नाराज थे इससे? हिंदू मुस्लिम सभी नाराज थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यादा जो बेनिफिट होना था वो ब्रिटिश वालों का होना था, लेकिन लॉस इंडियन पीपल का था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स, 1916 में होम रूल,
जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, तो उस होम रूल आंदोलन से लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के कारण ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर आया और ब्रिटिशर्स को 1919 का भारत शासन अधिनियम पास करना पड़ा। तो 1916 में होम रूल आंदोलन के कारण। तो ये पॉइंट्स थे, ये फैक्टर्स थे, ये कारण थे जिससे ब्रिटिशर्स को, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1919 का भारत शासन अधिनियम पास करना पड़ा। तो ये तो आपकी भूमिका हो गई, एक तरह का मेन रोल हो गया कि क्यों, क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स थे जिससे 1919 के भारत शासन अधिनियम को लाया गया। अब जो इंडियन पीपल थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे, और मेन जो उस टाइम गांधी जी, जिन्होंने सत्याग्रह चलाया हुआ था और तीन आंदोलन भी उन्होंने चला दिए थे, जो एक खेड़ा आंदोलन था, चंपारण आंदोलन, दूसरा खेड़ा आंदोलन और तीसरा था अहमदाबाद, तो इन तीनों के कारण से भी कॉमन पीपल को ये फील हुआ कि हम स्वशासन कर सकते हैं, हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। तो उन्होंने स्वराज जो वर्ड था वो काफी पॉपुलर हो गया था कि खुद का राज करेंगे और हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट होंगे, ब्रिटिश पीपल के अगेंस्ट होंगे। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडियन पीपल के अंदर इतनी देशभक्ति की भावना जाग रही है और ये लोग अब हमें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे, अगर हम इनके लिए कोई अच्छा सा अधिनियम ले आते हैं तो शायद ये हमें यहाँ पर रहने दें। तो इसी कारण से 20 अगस्त 1917 को जो मोंटेग्यू थे, मोंटेग्यू यानी भारत के सचिव थे, उन्होंने एक घोषणा तैयार की और इसी घोषणा को अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। किसने तैयार की थी ये घोषणा? मोंटेग्यू ने। मोंटेग्यू कौन थे उस टाइम? मोंटेग्यू भारत के, यानी कि जो ब्रिटिश में रहते थे लेकिन भारत के सचिव थे और जिसके पास काफी पावर होती थी। तो मोंटेग्यू ने घोषणा तैयार की और उसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। और अब 1918 में जेम्स फोर्ड के साथ मिलकर, किसके साथ? जेम्स फोर्ड, मोंटेग्यू और जेम्स फोर्ड ने मिलकर जो एक योजना तैयार की, उस योजना को ही 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। 1917 में उन्होंने घोषणा की, 1918 में उन्होंने योजना को तैयार कर दिया और 1919 में इस अधिनियम को पास किया और 1921 में जाकर ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये इस तरह यहाँ तक ये प्रोसेस है। जो हमने रीजन पढ़े उनके कारण से तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हो गया था? 1917 से, 20 अगस्त 1917 से। 1918 में उन्होंने योजना तैयार की जेम्स फोर्ड के साथ मिलकर, इसीलिए इसको मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। और 1919 में जाकर इस एक्ट को पास किया गया, 1921 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। पहली बार इस टाइम यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी सरकार वर्ड यूज किया गया। कौन सा? उत्तरदायी सरकार। और जब उत्तरदायी सरकार का नाम आया तो इंडियन पीपल कुछ शांत हुए, कुछ सेटिस्फाई हुए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हुए, लेकिन हुए जरूर कि अब शायद कुछ ऐसा अधिनियम पास हो जाए कि जिससे इंडियन पीपल के बारे में ज़्यादा सोच ली जाए, इंडियन पीपल को उनका जो उनके राइट्स है वो मिल जाए। उत्तरदायी सरकार के जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग प्रोविजंस या फिर जो प्रावधान है। प्रावधान नंबर फर्स्ट, पहली बार केंद्रीय बजट को, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, राज्य बजट से अलग कर दिया गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि क्या प्रावधान किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि जो केंद्रीय बजट और राज्य बजट ये दोनों अलग होंगे। तो ये प्रावधान 1919 के शासन अधिनियम में किया गया। पॉइंट नंबर टू, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला, ये हो गया पॉइंट नंबर टू, प्रावधान नंबर टू। नंबर थर्ड, भारत में केंद्रीय
भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये यहां से कि लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रावधान में किया गया, तो 1919 के प्रावधान में। लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, तो उसका गठन कब किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। पॉइंट नंबर 4 आता है, जो भारत का सचिव था उसको महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति दी गई। अब ये महालेखा परीक्षक कौन होता है, जो इस टाइम जिसको कैग के नेम से जानते हैं, वो ही महालेखा परीक्षक है। तो जो महालेखा परीक्षक था उसको नियुक्त करने की पावर 1919 में भारत के सचिव को दी गई। पॉइंट नंबर 5 आता है, वाय सराय की कार्यकारिणी परिषद में, वाय सराय की कार्यकारिणी जो परिषद है, कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य भारतीय होंगे, 3 सदस्य भारतीय होंगे। ये कंपलसरी कर दिया कि जो भारत का वायसराय है उसकी कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य भारतीय होंगे, ये कंपलसरी है। तो ये भी प्रावधान किसमें किया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अब जो नेक्स्ट प्रावधान आता है, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसको द्विसदनात्मक बनाया गया। द्विसदनात्मक क्या होता है कि जिसमें 2 सदन हो, 2 हाउस हो। कि आज के टाइम में आप देखते हो लोकसभा और राज्यसभा है, तो उस समय उनके नेम अलग थे। उस समय था राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। कैसा बना दिया गया, द्विसदनात्मक। अब जो द्विसदनात्मक बनाया गया, इसके 2 हाउसेज हो गए। पहला कौन सा, इसको हम यहां कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड। जो फर्स्ट वाला हाउस था उसका नाम आएगा राज्य परिषद और इसका नाम आएगा केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधान सभा। अब जो राज्य परिषद है इसमें 2 टाइप के पीपल होंगे, एक होगा मनोनीत और एक होंगे निर्वाचित, मनोनीत और दूसरे होंगे निर्वाचित। मनोनीत सदस्य होंगे 26, निर्वाचित सदस्य होंगे 34, टोटल सदस्य होंगे 60। कितने होंगे राज्य परिषद में, 60। मनोनीत कौन करेगा, वायसराय, और ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से चुनकर आएंगे। इसका टाइम पीरियड होगा 5 साल। जो फर्स्ट हाउस है या फर्स्ट सदन था, ये था राज्य परिषद और इसको उच्च सदन भी कहा जाता था। कौन सा सदन, उच्च सदन। जो राज्य परिषद थी उसमें टोटल जो मेंबर्स थे, टोटल सदस्य संख्या थी वो थी 60, और इसका जो समय था यानी टाइम पीरियड था वो 5 साल था। इसमें 2 तरह के लोग थे, एक मनोनीत एक निर्वाचित। मनोनीत टोटल 26 सदस्य, निर्वाचित 34 सदस्य, और जो मनोनीत सदस्य थे वो वायसराय उनको मनोनीत करता था। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग राज्य परिषद। अब हम बात करेंगे केंद्रीय विधानसभा के बारे में। इसको निम्न सदन कहते थे, निम्न सदन। इसमें जो टोटल मेंबर्स थे 140, 140 में से जो मनोनीत थे, मनोनीत 40 और निर्वाचित 104। और जो इसका टाइम पीरियड था वो था 3 साल, 3 साल। और मनोनीत कौन करेगा, वायसराय। और अगर वायसराय चाहे तो इसको 3 साल से पहले भी भंग कर सकता था और उसके टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकता था। वो वायसराय के ऊपर डिपेंड करता था कि वो उसको कैसे करता है। तो उस टाइम केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम से, जो आज लोकसभा और राज्यसभा के नाम से
पॉपुलर है, किसके नाम से पॉपुलर है, लोकसभा और राज्यसभा, वो ही उस टाइम केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद थी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो प्रावधान है, प्रावधान नंबर 7, उसके बारे में बात करते हैं कि और क्या किया गया और क्या प्रावधान इंक्लूड किए गए इस अधिनियम में। तो जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन जाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया। जो ये द्वैध शासन प्रणाली प्रांत में लाई गई, इसको लाने का श्रेय या इसके जन्मदाता कौन है, इसका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, लियोनस कार्टियस। ये किसके जन्मदाता है, द्वैध शासन प्रणाली जो प्रांतों में लाई गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में। जो द्वैध शासन प्रणाली 1919 में इंप्लीमेंट की गई और 1935 में इसको खत्म भी कर दिया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब जो प्रांतों में कार्यकारिणी परिषद थी, उसको दो भागों में बांट दिया गया, कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। कार्यकारिणी परिषद कितने भागों में डिवाइड हो गई, दो भागों में। एक में होगा गवर्नर या आप वायसराय, मैंने आपको कई बार बता दिया कि जो गवर्नर था वो वायसराय बन चुका था, तो आप इसको चलो वायसराय लिख लो, वायसराय प्लस कार्यकारिणी सदस्य, और दूसरे थे वायसराय प्लस मंत्रीगण। ये दो जगह डिवाइड हो गए, कार्यकारिणी परिषद का जो टोटल थी वो एक में वायसराय और कार्यकारिणी सदस्य होंगे और एक में वायसराय और मंत्रीगण। अब जो प्रांतीय विषय थे उनको भी दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, तो द्वैध शासन के बाद जो कार्यकारिणी परिषद है इनके सदस्यों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद जो उसके विषय थे उनको भी डिवाइड कर दिया गया, तो उन विषयों को किसमें डाल दिया गया, प्रांतीय विषयों को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। अब जो आरक्षित विषय में जो सब्जेक्ट इंक्लूड थे, जैसे मान लो कानून है या वित्त से रिलेटेड है, ये फिर रिलेटेड टू आरक्षित, यानी कि इनको आरक्षित सब्जेक्ट में रखा गया, आरक्षित विषय में रखा गया। हस्तांतरित विषय में कौन से थे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनको रखा गया हस्तांतरित विषय में। अब जो आरक्षित विषय है इनके ऊपर वर्क कौन करेगा, तो इन पर वर्क करेंगे वायसराय और कार्यकारिणी के सदस्य। आरक्षित विषयों पर वर्क कौन करेगा, वायसराय और कार्यकारिणी सदस्य। और जो दूसरा है हस्तांतरित विषय, इनके ऊपर काम करेंगे वायसराय और मंत्रीगण, क्योंकि जो मंत्रीगण थे इसमें इंडियन पीपल भी इंक्लूड थे, इसलिए उनके विषय को हल्का रखा गया। और आरक्षित विषय जिसमें रिलेटेड टू मनी वर्क था, उनमें कार्यकारिणी सदस्य जो ब्रिटिशर्स थे वही वर्क करेंगे। तो ये था हमारे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया, उसमें इंक्लूड थे। नेक्स्ट प्रावधान, प्रावधान नंबर 8, अगर प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, विफल होने पर वायसराय का शासन लगता था, किसका शासन लगता था, वायसराय का। आज किसका लगता है, अब लगता है राष्ट्रपति शासन, और उस समय लगता था वायसराय का। नेक्स्ट, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो राइट दिया गया था, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई थी उसको बनाए रखा, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बनाए रखा। तो आज हमने पढ़ा रिगार्डिंग 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कि इस अधिनियम को लाने के कारण क्या थे और इसमें कौन कौन से प्रावधान को इंक्लूड किया गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अधिनियम के साथ। ओके, बाय।